वालेकुम, मेरा नाम जाकी कुरैशी है और आज मुझे लाइव आने का कुछ वजह था, इसके लिए मैं आज लाइव आया हूँ वापस से। थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटा पहले, हमारे एक्स नगर सेवक बीजेपी के हैं, उनका मुझे नाम नहीं लेना है, वो कुछ थोड़ा सा एक मुद्दा उछालने के लिए आए थे गोलीबार में, हमारे एरिया में घर के पास पब्लिक टॉयलेट बन रहा है। हमारे एक्स फॉर्मर मेयर मिश्रा मारेश्वर सर के थ्रू पब्लिक टॉयलेट 1+1 ग्राउंड प्लस वन पब्लिक टॉयलेट बन रहा है, उसका काम चालू है। तो वो मुद्दे की बात तो मैं अभी बाद में बात करूँगा, पहले मुझे इनसे एक सवाल पूछना है पार्कर से। मैं उनका नाम लेके बोल रहा हूँ, महेश पार्कर साहब से, कि सर आप 10 साल पहले यहाँ पे नगर सेवक थे, 10 साल तक आपने यहाँ पे गोलीबार में नगर सेवक रह चुके हो और आपने अपना प्रगति समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हो, और आपके टाइम पे ही 2007 में वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट, वही पब्लिक टॉयलेट बना था। उस टाइम पे तो मेरा तो आज 40 साल की उम्र है, 42 साल की मैं वहाँ देखते हुए आ रहा हूँ। उस टाइम पे जब आपने संडास बनाए थे, उस टाइम पे आपने तो कोई ऐसा पब्लिक की सुविधा के लिए तो कुछ करे नहीं थे कि पब्लिक को कुछ अल्टरनेट संडास दे दो, कुछ दे दो। और दूसरी बात, उस टाइम पे तो पब्लिक के संडास भी नहीं था घर में, बहुत कम, मुश्किल 50% घर में संडास होता था उस टाइम। और आज के दौर में 99% से भी ज़्यादा संडास हर घर में बना हुआ है। आपने भी काम अच्छा कर रहे हो, हम नहीं बोल रहे आपने काम अच्छा नहीं करे, पर लेकिन आप दूसरे को बदनाम करने से पहले आप पहले देखिए, आपके कार्यकाल में भी बहुत गलत काम हुआ है। वही शौचालय के सामने 2-3 इनलीगल कंस्ट्रक्शन लगा हुआ था, उसमें भी आपको नज़र नहीं आया वो इनलीगल चीज़, जो इनलीगल चीज़ वहाँ पे थी। और दूसरी बात, आप 10 साल नगर सेवक थे, आपने जिस टाइम पे हमको बहुत ज़रूरत थी आप लोग की, उस टाइम पे हमें हर पार्टी ने सपोर्ट करा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हर पार्टी ने सपोर्ट करा, लेकिन आप उस टाइम पे हमको नहीं दिखाई दी। पूरा 10 महीना हम इतना तकलीफ में थे कोरोना के टाइम पे, महामारी के टाइम पे, उस टाइम पे आप कहाँ थे सर, मैं आपसे पूछा चाहता हूँ। उस टाइम पे आप गोलीबार में भटकने भी नहीं आए हो, झांकने भी नहीं आए हो गोलीबार में, और आज आज आपको छोटा सा मुद्दा मिला है, उसको मुद्दे को आप इशू कर रहे हो। प्लीज़ सर, ये सब काम धंधा बंद करिए, अभी इलेक्शन आ रहा है, उनको भी पता है अभी 8-9 महीने बाद इलेक्शन है, आप मुद्दा ढूंढ रहे हो, तो प्लीज़ आप पर पब्लिक का अच्छा करिए, बाद में किसी का बुरा करिए। देखो मैं भी एक कोई पार्टी का हूँ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, पर लेकिन मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पब्लिक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे जब हमको बहुत ज़रूरत थी, उस टाइम हमारा भी 8-10 महीना काम धंधा बंद था, हमको भी मदद मिली है, हमारे कांग्रेस के MLA ने मदद करा है, एक्स मेयर ने भी हमें, नगर सेवक ने भी मदद करा है, और भी बहुत से लोगों ने हमको मदद करा, पर लेकिन उस टाइम पे बीजेपी पार्टी का आप जो एक्स मेयर एक्स नगर सेवक थे, आपने तो झांकने भी नहीं आए, पूछने भी नहीं आए कि क्या आप लोग को तकलीफ है, कुछ तकलीफ है तो मैं आपकी हेल्प करूँ। अभी तो आपको हर चीज़ अभी अच्छी लग रही है, अरे अभी तो आप कारोबार सब कुछ सब सही हो गया है सर, अभी आपको तो उल्टा अच्छे काम करना चाहिए, चलो आप आके अच्छा काम करो, अभी तो आप मुद्दा ढूंढ रहे हो शिवसेना को बदनाम करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए। प्लीज़ सर, ये सब काम धंधा बंद करिए, आप अपना काम धंधे में ध्यान दीजिए और ये सब मुद्दा बंद करिए, अच्छे मुद्दे उठाइए। और ये 24 आवर्स में अगर काम नहीं होएगा, अभी मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि मैं कल गली गली में लिख लूँगा किस किस के अंदर घर के अंदर टॉयलेट है, संडास है, मैं कल इसका इंक्वायरी निकालूंगा। मैं आप बोल रहा हूँ, कल सुबह 10 बजे से मैं काम धंधे पे लगूंगा और हर घर में जाके पूछूंगा किसके घर में संडास है, किसके घर में संडास नहीं है, और वो मैं एलिगेशन बना के लिखूंगा और मैं वो मीडिया में दूंगा। मैं आपको कल मैं बता रहा हूँ, कल ये वापस से वीडियो गाऊंगा मैं और ये पेपर दिखाऊंगा मैं आपको। जो आप बोल रहे हो ना पब्लिक को तकलीफ हो रही है, कोई पब्लिक को तकलीफ नहीं हो रही है, उसमें है, मैं बोलता हूँ 4-5 जन को तकलीफ हो रही होगी पब्लिक को, और उसका भी हल हमने निकाल चुका है। आप भी नगर सेवा रह चुके हो, ये सब काम जो है ना, ये सब पढ़ाई से होती है, मुंह बोलने से नहीं होती है, कानून कायदे से काम होता है, बोलने से। तो मैं कल के कल मैं भी लगवा दूंगा संडास पब्लिक टॉयलेट, लेकिन कैसा होता है आपको भी पता है, आप भी नगर सेवा रह चुके हो कि उसके लिए जगह चाहिए, जगह है गोलीबार में, दिखाइए आप जगह है तो मैं अभी कल के कल गाड़ी मंगवा लेता हूँ। जगह नहीं है फिर भी हम जगह की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल तक काम हो जाएगा, पर लेकिन आप किसी को बदनाम करने से पहले आप ये सोचिए कि आप काम क्या कर रहे हो, अच्छे काम को तुम रुकाना चाह रहे हो, ये अच्छा काम हो रहा है पब्लिक को, वो ग्राउंड प्लस था आज वो ग्राउंड प्लस वन बन रहा है, आगे जाके वो पब्लिक को ही फायदा होने वाला है,
तो ये काम मत रुकाइए सर, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे जो साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। उन्होंने एक टॉयलेट नहीं है अभी गोलीबाग में, उन्होंने अभी उनके कार्यकाल में 4 टॉयलेट बना चुके हैं, ये 14 टॉयलेट है और अभी 5वें का भी काम चालू होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। प्लीज़ आप अच्छे काम के साथ दीजिए, अच्छे काम की वाह वाह करिए, अब अपनी क्रेडिट मत लीजिए, जहाँ आपको क्रेडिट लेना था उस टाइम पर आप क्रेडिट नहीं लिए, जिस टाइम पर पब्लिक को आपकी बहुत सहायता थी, जरूरत थी आपकी उस टाइम पर कोरोना के टाइम पर, उस टाइम तो आपने दिखाई नहीं दिए, उस टाइम तो एक भी आपका फोटो नहीं आता था, एक भी आपके कमेंट नहीं आते थे। अब आप वापस से आप आ गए, ये हमको पता है अभी इलेक्शन है 8-9 महीने बाद, मुझे पता है, सबको पता है, पब्लिक को सबको मालूम है अभी इलेक्शन है, अभी हर पार्टी वाले आएंगे, जब जरूरत थी उस टाइम मेरे को कोई पार्टी वाला नज़र नहीं आ रहा था, आज जब ही इलेक्शन आ रहा तो आप पार्टी आ रही, इसके मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है सर आपसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये इशू को बड़ा मत करिए, ये कोई इशू नहीं है, ये इशू कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो कल मैं ये इशू का प्रॉब्लम पूरा मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, मैं सब घर में सर्वे करूंगा मैं कुछ जाके, और सबसे पूछूंगा आपके घर में टॉयलेट है या नहीं है। ये गोलीबार की बात हो रही है, कल गोलीबार की पब्लिक आवाम खड़े होकर बोलेगी ये बात, किसको तकलीफ है किसको नहीं तकलीफ है, कल ये मैं कल मीडिया में ये इशू करूंगा मैं, आप इसका दिन समझ लीजिए, ये कल मैं इसका ये जवाब दूंगा आपको मैं, और मुझे आपसे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, थैंक यू वेरी मच, अच्छे काम का साथ दीजिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अच्छे से इसका सम्मान करिए, जय महाराष्ट्र।